आज बनाते हैं ढेर सारी सब्जियों के साथ क्विक हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो आपके घर में भी सबका फेवरेट हो जाएगा और हां लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक छोटा सा कमेंट लिख के बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना सब्जियां रेडी कर लेंगे इसके लिए मैंने ना एक स्लाइसर लिया है ये पोटेटो स्लाइसर जो होता है ना जैसे चिप्स वगैरह निकालते हैं वही है ये मैं प्याज को ना इसी से स्लाइस कर रही हूँ बहुत ही पतले पतले स्लाइसेज निकलेंगे और बहुत ही फटाफट से हो जाता है काम आप देख सकते हैं ना ये कितने पतले पतले स्लाइसेज निकले बस मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ रिंग्स को वैसे ही ना मैं पत्ता गोभी के भी ना स्लाइसिस निकाल लूंगी तो ये भी बहुत ही फटाफट से होता है और एकदम पतले पतले स्लाइसिस निकल जाएंगे हम अगर नाइफ से भी कट करेंगे ना तो इतने पतले बहुत आसानी से नहीं होंगे ये देखिए तो हमारी कैबेज भी रेडी है तो सबसे हमारी सारी रेडी हो गई है और मैंने गाजर ना मोटी मोटी कद्दूकस कर ली है ये कैप्सिकम हरी वाली और लाल वाली दोनों ली है उसको पतले पतले स्लाइसेज में कट कर लिया है प्याज है और ये है थोड़ा सा धनिया अब मैं ले रही हूँ मिक्सी जार में एक कप ओट्स जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था हल्का सा हम सूखा ही इसे भून लेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पालक लिया है करीब एक कप के जितना होगा एक मोटी पालक है ये अच्छे से धो लिया था इसको और अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ और साथ ही में डाल रही हूँ एक अदरक का टुकड़ा दो कलिया लहसन के लिए आप खाते हैं तो डाल दें साथ ही में दो हरी मिर्च भी डाल रही हूँ एक चौथाई कप मैंने इसमें दही लिया है घर का बना हुआ दही है इसी कप से ना मैंने एक कप ले लिया है पानी और इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे हमें इसका ना एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और अभी हम थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे हम पानी जरूरत के हिसाब से बाद में और डाल लेंगे इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ और साथ ही मैं मिक्सी जार में ना एक चौथाई कप पानी और डाल दिया है और इसे एक बार हम चला देंगे ताकि जितना भी बैटर है वो आराम से निकल जाए और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमें ना इसे एक से दो मिनट तक ना इसे विस्कर की हेल्प से या फिर किसी स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसमें थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये एकदम लाइट हो जाए बैटर हमारा इसको हल्का सा मिक्स करके अब मैं कवर करके रख रही हूँ करीब पंद्रह मिनट के लिए जब तक ये सेट हो रहा है ना अपनी सब्जियों को रेडी करते हैं तो तो सारी सब्जियों को एक बोल में डाल रही हूँ और अब इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच सेजवान सॉस ये होम मेड सॉस है अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ अब मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने इसको एकदम सिंपल ही रखा है और अगर आप चाहें ना तो सब्जियों को थोड़ा सा सौते भी कर सकते हैं मैंने ना इसे कच्चा ही रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंच चाहिए था वेजिटेबल्स का और साथ ही में हल्की हल्की से ना सिक जाएगी स्टीम से जब हम आगे नाश्ता बनाएंगे और मैंने पनीर को ना इसमें मिक्स नहीं किया है मैं इसको अलग से ही दुकस करने वाली हूँ तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं सब्जियाँ जितनी मैंने ली हैं ये सारी हमारी कंज्यूम हो जाएगी आज की रेसिपी में और ये देखिए हमारा बैटर जो है ना वो एकदम अच्छे से सेट हो गया है गाढ़ा हो गया है काफ़ी तो मैं इसमें करीब एक चौथा कप पानी और डाल डालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर रही हूँ साथ ही में मैंने ना इसमें नमक भी डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल लें और ये देखिए ऐसा गाढ़ा होना चाहिए घोल हमारा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी है अब मैंने ना तवे को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया उसे हल्का सा ऑयल से ब्रश कर रही हूँ बस एक ही बार हम ऑयल से ब्रश करेंगे फिर आगे जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन लिया है मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मल चीला बनाते हैं ना बस वैसे ही चीला स्प्रेड कर रही हूँ अब ठीक मोटा पतला अपनी चॉइस से कर सकते हैं इसे ना एक से दो मिनट तक सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको सिकने में और जैसे ही ऊपर से हल्का सा ड्राई हो जाए ना मैं इसको पलट रही हूँ आप चाहे तो ना इसमें थोड़ा सा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ जीरो ऑयल में तो मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया है और इसको भाई एक बार और फ्लिप कर रही हूँ अच्छे से हम पलट देंगे और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और ये जो सब्ज़ियाँ हमने तैयार की थी ना वो डाल देंगे इस पर मैं अच्छे से ज़्यादा क्वान्टिटी में सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ वो अपने हिसाब से इसमें सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं और ये जो पनीर था ना उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ ऐसे कद्दूकस करने से ना ये एकदम पनीर ना सारी सब्जियों को अच्छे से बाइंड कर लेगा और ये ऐसे ग्रेट करने से एकदम चीज जैसा लगेगा साथ ही मैं ऊपर से थोड़ी सी डाल रही हूँ धनिया की चटनी आप अपने टेस्ट से इसमें चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं अब इसे ना मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे ताकि जो वेजिटेबल्स हमने डाली थी ना वो भी हल्की सी स्टीम से कुक हो जाए और ये थोड़ा सा चीला भी क्रिस्पी हो जाए आपने इसको फोल्ड कर दिया है आप चाहें तो इसे रोल भी कर सकते हैं और और ये हमारा एकदम क्रिस्पी और बहुत ही न्यूट्रिशियस सा चीला बन के रेडी है और इसमें आपने देखा ही कितनी सारी सब्जियां हमने फ़िल करी हैं अगर आपको ये वेजिटेबल स्टफ किया हुआ चीला नहीं पसंद है ना तो सारी सब्जियों को एकदम बारीक बारीक सा काट लें और हल्का सा भून लें और उसके बाद इस चीले के घोल में इसे डाल दें और फिर आप उससे भी चीला बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में देने के लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि टेस्टी भी है न्यूट्रिशस भी है और घंटों के बाद भी ना ये वैसा ही सॉफ्ट बना रहता है तो रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें आपका हर एक कॉमेंट मुझे ग्रो करने में हेल्प करता है तो प्लीज़ एक कॉमेंट जरूर लिखें और ये लीजिए हमारा रोल भी तैयार है अगर आप ऐसे रोल बनाकर बच्चों को देंगे ना तो मेरी गारंटी है वो टिफ़िन एकदम चट कर जाएंगे और एकदम हेल्दी न्यूट्रिशस खाना खिलाकर आप भी एकदम हैप्पी हो जाएंगे तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय